फतेहपुर भाजपा मंडल की बैठक स्थानीय विश्राम गृह में मंडल अध्यक्ष करतारपुर पठानिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार व जिला अध्यक्ष रमेश ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि नवनिर्मित मंडल की यह पहली बैठक है। बैठक के मुख्य उद्देश्य सीएम जयराम ठाकुर के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को फतेहपुर विधानसभा में प्रदेश के मुखिया का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर 1 दर्जन करोड़ रुपए की योजनाओं को हरी झंडी देंगे। उन नामों को लेकर मैं भी फोन करूंगा, ये पूछेंगे हम कि क्या कारण था कि आपको सूचना थी कि नहीं थी। तो इसलिए विशेष निवेदन यह रहेगा कि आपने पार्टी की जिम्मेदारी को समझना है, पार्टी के काम को समझना है। आज हम मैं मंडल से यही निवेदन करूंगा कि जितने भी आपने सदस्य बनाए हैं इनको आप जिम्मेदारियाँ सौंप। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो चला हुआ है, कहा का मंडल बहुत पीछे चला हुआ है, बाकी मंडलों में मैं बैठके 4 तारीख से पहले बैठके कर ली थी, और जो इकट्ठे हुए देश के हमारे मंत्री आए हैं, स्टेट मिनिस्टर आए हुए हैं, तो और जब हम अंदर पहुंचे हॉल में तो बुरा मत मानना, मैंने एक एक लाइने कुर्सियाँ लगी हुई थी, उसमें 8-8 बैठे हुए थे, आप एक साइड में 104 आदमी बैठे हुए थे, दूसरी पिछली लाइन में जाकर कहीं 8 हो गए, कहीं 9 हो गए। कुल डालकर कितनी संख्या रही वहाँ हमारी 252-253 आदमी। और जब हम पर बाकी लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं चला, उसके लिए मैं मंडल की कमजोरी समझूंगा। मंडल वालों फोटो आ जाए, वीडियो फोटो आ जाए, भाई जो पार्टी है इसका फोटो का मतलब नहीं है कुछ, इसका मतलब है जो काम करेगा उसके लिए मतलब है। तो कृपया करके ये विशेष निवेदन ये रहेगा कि आगे के लिए कभी ऐसा हो तो मंडल व्यवस्था करे। आपके मंडल के 2 महामंत्री महामंत्रियों का काम है अपना व्यवस्था देखना, बैठक की व्यवस्था करना और उसको सुचारू रूप से चलाना और आगे जिम्मेदारियाँ सौंपना। मंडल अध्यक्ष से सलाह करके जिम्मेदारियाँ सौंपी जाए, जो आपके 5 सचिव बनाए हैं उनको भी जिम्मेदारियाँ सौंपें, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है 4 आपके, उनको भी जिम्मेदारियाँ सौंपें। इस हिसाब से आप सारी दायित्व सौंप कर उनका निर्माण करें। नागरिक संशोधन अधिनियम इसकी एक महत्वपूर्ण आप कड़ी एक रह गई है, 12 तारीख हर बूथ पर आपको पंपलेट। मंडल फतेहपुर की पहली बैठक थी, इसमें हमने सीए पर 6 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ उसकी समीक्षा की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ने जिस कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, और आने वाले दिनों के जो इस महीने के कार्यक्रम है उसके लिए हमने रूपरेखा भी तैयार की। आज राणा जी विशेष रूप से जिलाध्यक्ष जी रमेश राणा जी आए हुए हैं, इन्होंने भी अपनी बातचीत यहाँ पर रखी है, और मुख्य रूप से 28 तारीख को जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का संभावित प्रोग्राम है उसके बारे में क्या क्या हम करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे, क्या मिलेगा और क्या क्या शिलान्यास वगैरह करवाएंगे उसके बारे में हमने चर्चा की, और उनका कार्यक्रम हमने कहाँ करना है इसके बारे में बातचीत की है। बाकी उसके लिए अभी समय भी है, उनका प्रोग्राम भी अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन जैसे वो प्रोग्राम फाइनल होता है तो 20 तारीख के आसपास हम फिर से एक मंडल की बैठक करके उसमें उस कार्यक्रम की रूपरेखा करते हैं। एनस्टार न्यूज़ के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।